सो गाइस हमारा अभी घेवर बन रहा है, देखिए गाइस कैसे बढ़िया से बना रहे हैं लोग, एक लेयर के ऊपर एक लेयर। तो गाइस अभी बहुत ही बड़ा सैड सिचुएशन हो गया, निखिल भैया को जोर से गिर गया और होंठ कट के एकदम खून खून हो गया था। अभी सो गाइस गुड मॉर्निंग, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 10। अभी मैं जा रहा हूँ लैपटॉप कंप्यूटर ठीक कराने के लिए, डॉली का लैपटॉप का थोड़ा सा वो हो गया था। अरे कहना क्या चाहते हो? और मेरा कंप्यूटर का सीपीयू गाइस मैंने ले लिया है। सीपीयू कल क्या हुआ था गाइस, फाइल्स वो हो गया था ना, निखिल भैया ने उड़ा दिया था फॉर्मेट के चक्कर में, तो वही ठीक कराने जा रहे हैं। फटाफट से चलते हैं, अखिल भैया नीचे रुके, फटाफट से चलते हैं गाइस। तो गाइस मैं नीचे उतर चुका हूँ, गाइस ये रहे अखिल भैया गाड़ी लेके, सीपीयू मैंने डाल दिया है, ये रहा सीपीयू, फटाफट से चलते हैं। सो गाइस बड़ी गाड़ी भी ताऊजी लेके गए है बाहर में, और इसलिए हम छोटी गाड़ी में जा रहे हैं आज। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली, ये रहा वो स्कूल। तो गाइस निखिल भाई यहाँ पे पढ़े थे कॉलेज में, और वही कॉलेज में हम लोग आज लैपटॉप और कंप्यूटर देने जा रहे हैं ठीक कराने के लिए, क्योंकि निखिल भाई का यहाँ पे बहुत सारा सर जो है उन लोग बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, तो उन लोग दोस्ती आ रही है निखिल भाई के साथ, तो उन लोग ठीक कर देते हुए। तो गाइस अभी हम लोग दे चुके हैं अपना सामान कंप्यूटर का, और वो ठीक होने में शायद एक हफ्ता भी लग सकता है या आज भी लग सकता है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, क्योंकि गाइस एक हफ्ता हम लोग का बिहू का छुट्टी है, तो उसके लिए गाइस इन लोग बोले शायद ही दे पाएंगे आज, तो गाइस एक हफ्ता निखिल भैया के वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता से, अखिल भैया को पता है, तो गाइस देखते हैं सही रास्ता से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जान रहा है, क्योंकि गाइस डर ही लग रहा है हम लोग खो ना जाए कहीं में कुछ भी। हां भैया घर में तो बताई देगा, चलो देखते हैं गाइस। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, ये भैया जी लुंगी पहन के आए हमारे लिए गेट खोलने के लिए। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, देखे आ चुके हैं सामान अपना, फटाफट से ऊपर चलते हैं। सो दोस्तों अभी मैं जिम से आ चुका हूँ एंड अभी खाना खाने बैठे हैं गाइस। सो खाने में हमारे पास सिंपल दाल चावल, ये पापड़ है गाइस एंड सलाद भी है हमारे पास, और साथ ही साथ में गाइस मेरा ट्राई का सेकंड बन किट भी आ चुका है, जिसमें हमारे पास ये सारे आइटम्स है गाइस। अच्छा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है गाइस पहले जो था, तो अभी फटाफट खाते हैं गाइस खाना एंड उसके बाद लगते हैं काम। सो फ्रेंड्स मैंने जैसा कहा था कि मैं प्रीमियम स्नीकर दूंगा, तो स्नीकर आ चुकी है, अकेले उसे लेके आया है। एक मेरे लिए एक उसके लिए, नियोली छुपा देते हैं। चीटिंग करता है तो अखिल बुला ले प्रेम। सो दोस्तों आ चुका है प्रेम, तो प्रेम तुम्हारे लिए एक तोहफा है। टन टन देखिए गाइस खुशी नहीं है बंदे के। हाँ वही नहीं करने देते हो मेरा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। हम खाएंगे तो क्या हुआ? आप पूरिया खाते ना अपना, तो फिर हम चॉकलेट भी खाएंगे ना, चाट भी गाइस इसे इसको मतलब स्पेस नहीं चाहिए, फटाक्षा के खा लेते हैं। सो गाइस अभी वो कंप्यूटर ठीक हो चुका है और लैपटॉप भी, शायद लैपटॉप शायद का पता नहीं, कंप्यूटर ठीक हो चुका है। अरे कहना क्या चाहते हो? फटाफट से गाइस कंप्यूटर लेने चलते हैं, गाड़ी ले चुके हम लोग, ताऊजी भी हमारे साथ जा रहे हैं। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी फटाफट से गाइस लैपटॉप और हम लोग कंप्यूटर ले लेते हैं, चलो। सो गाइस हम लोगों ने लैपटॉप और कंप्यूटर ले लिया और शाम हो चुकी है, 5 बज गए, तो फटाफट से गाइस घर के लिए निकलते हैं। चलिए सो गाइज अभी हम लोग आए हैं ताऊजी के साथ पापा का कपड़ा लेने के लिए, फटाफट से गाइज कपड़ा ले लेते हैं, हम लोगों ने एक सिलेक्ट कपड़ा कर लिया है और यही लेंगे, आप लोग कल देखे गाइज सरप्राइज है, संक्रांत के लिए गिफ्ट है पापा के लिए। तो गाइज कल संक्रांत है, तो गाइज कल के लिए थोड़ा सा मिठाई विठाई ले रहे हैं देवर और फिनी, तो फटाफट से ले लेते हैं गाइज, जो की भाभी अपने देवर को देती है कल के डेट में, प्राइज भी लिया है जो की मम्मी के तरफ से चाचा को मिलेगा। सो गाइज अभी हम लोग आए शुभम स्वीट्स में,
कल के लिए संक्रांत के लिए मिठाई लेने, फटाफट से गैस ले लेते हैं। सो गैस हमारा अभी घेवर बन रहा है, देखिए गैस कैसे बढ़िया से बना रहे हैं लोग, एक लेयर के ऊपर एक लेयर। गैस अभी मुंह में पानी आने लग गया गैस, धूम मार रहे हैं। तो गैस मिठाई हमने वाले ले रही है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। मैं अमीर हूँ, सब लोगों ने ले लिया है डब्बे, तो एक डब्बा मेरे का। दो रहा घेवर और फेनी, फटाफट से गैस चलते हैं। ताऊ जी कैसा लगा खर्चा करके? पढ़ना पड़ता भाई, चल झूठा। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, तो फटाफट से निकलते हैं गाइस। A few moments later. Guys, अभी बहुत ही बड़ा sad situation हो गया। निखिल भैया को जोर से गिर गया और होंठ कट के एकदम खून खून हो गया था अभी। ये जो जगह दिख रहा है ना गाइज, यहाँ पे एकदम खून खून का ड्रॉपलेट गिर गया था और हम लोग बहुत डर गया था कि क्या हो गया निखिल भैया को। निखिल भैया ऐसे खड़ा था यहाँ पे, प्रेम क्या किया निखिल भैया के ऊपर, ऐसे बंदर के जैसे जंप किया और निखिल भैया का बैलेंस खराब हो गया और निखिल भैया ढॉप नीचे गिर गया, प्रेम निखिल भैया के ऊपर हुआ। कि जो निखिल भैया का दांत है, जब भैया गिर रहा था वो डायरेक्ट ऐसे होंठ पे आ गया और होंठ पे ज्यादा प्रेशर लग गया, होंठ कट गया। खत्म। मतलब जब भैया उठ रहा था ना नीचे से, तो हम लोग देखा हाथ पे खून गिरा हुआ, भैया ऐसे हाथ दे दिया था, तो हमें बहुत ज्यादा डर गया कि भैया को खून आ रहा है, क्या हो गया क्या हो गया। और गाइस प्रेम को देखिए इसको कैसा लग रहा है, वो भी बहुत डर गया था एक बार के लिए कि मेरे कारण भैया वो लग गया जोर से। जलवा है हमारा, क्या बोला जाएगा प्रेम? वो बहुत, इसका दिल का धड़कन सुनिए था, धक 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 हो रहा है, इसको बहुत ही डर लग गया था कि इसके कारण भैया को लग गया। क्या रोएगा क्या तुम? क्यों रोएगा, मैं झुकेगा नहीं। तो गाइस निखिल भैया का खून नहीं रोक रहे, तो भैया को बर्फ से सेक रहे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। निखिल भैया को रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, तब जल रहा होगा, बर्फ लगा रहा है भैया चोट पे। जलता नहीं बेटा, जलता है ना। डीप कट हो गया निखिल भैया का अंदर से, यहाँ पे भी हल्का सा लगा इस साइड। ओमा भैया अभी कोल्ड वाटर से रिंस करके आए। कभी भी अगर आपको लिप्स में कहीं पे भी कट लगता है तो आप आइस से ना सेक कर लिया करेगा और फिर कोल्ड वाटर से आप माउथ वॉश कर लेगा, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स है वो पहले क्लीन हो जाए, फिर आप उस पे मेडिसिन या फिर हल्दी अप्लाई करिएगा। पर क्रीम्स नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो लिप्स में लगा तो आप जब होंठ को क्लोज बंद करेंगे तो वो अंदर जाएगा माउथ के अंदर। उससे अच्छा आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करिए, जैसे हमारे घर में हम हल्दी यूज करते हैं, तो आप भी वही यूज करिएगा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। आपको लगता है कि मुझे मार सकता, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Subscribe to the channel.